यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये एकदम फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, और वो है डैंड्रफ यानी कि रूसी। रूसी होना बहुत आम समस्या है, ये सभी को होती है। तो मैं आज बताऊंगी कि रूसी क्या होती है, उसके होने की क्या वजह होती है, और उसकी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन मैं बताऊँगी, और उसे कैसे लेना है वो बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डैंड्रफ या रूसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या मेडिकल की लैंग्वेज में सिबोरिक डर्मेटाइटिस या सिबोरिया कहा जाता है। हमारी स्किन यानी कि हमारे सिर की स्किन की जो त्वचा होती है, वहाँ की कोशिकाएं यदि डेड हो जाती हैं या मृत कोशिकाएं जो होती हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन जो स्केली हो जाती है, उसकी वजह से हमें डैंड्रफ जो होता है वो पैदा होता है, और उसे ही हम रूसी या डैंड्रफ कहते हैं। तो हमारे जो स्किन, जो हमारे स्कैल्प की जो स्किन होती है, वो डेड हो जाती है और वही रूसी बनती है, और वही रूसी कहलाती है। आसान भाषा में यदि कहा जाए तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। रूसी या डैंड्रफ बालों में होना ये बहुत ही आम बात होती है, और ज़्यादातर ये सर्दियों के मौसम में होती है। बाकी मौसम की अपेक्षा सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा आम होती है और इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डैंड्रफ या रूसी का होना मतलब आपके बालों का बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरना। रूसी होने के कारण आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और रूसी की वजह से आम इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। डैंड्रफ या रूसी बालों से झड़ती है और वो आपके कपड़ों में भी कभी कभी दिखाई देने लगती है, और ये बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है। इसके वजह से जिनको रूसी होती है वो बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। रूसी की वजह से या डैंड्रफ की वजह से आपके बाल पतले भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बेजान दिखाई देने लगते हैं। रूसी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। यदि रूसी का सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो आप गंजेपन का शिकार भी हो सकते हैं। इसका बहुत ही विकृत रूप आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए उसका इलाज तुरंत से तुरंत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूसी की वजह से हमारे जो हेयर की रूट होती है वो क्लॉग्ड हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यदि आपके बालों की रीग्रोथ आप अच्छे से करना चाहते हैं, या आपके बालों का गिरना या हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं, तो आपको डैंड्रफ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको आपके डैंड्रफ को ठीक करना होगा। जो होम्योपैथी होती है वो आपके बहुत स्कैल्प की बहुत अच्छे तरीके से इंटरनल केयर करती है, वहाँ के स्कैल्प की जो होता है सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ठीक करती है, और आपके जो भी मिनरल्स होते हैं आपके हेल्थ के लिए, जो भी रीग्रोथ के लिए जो भी मिनरल्स होते हैं, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। होम्योपैथी इचिंग, ड्राइनेस ऑफ योर स्कैल्प, इरिटेशन, आपके जो बाल स्प्लिट हो रहे हैं, जो बाल टूट रहे हैं, जो आपके जो बाल पतले हो रहे हैं या डैंड्रफ हो रहे हैं, उन सभी को रिड्यूस करती है। अब जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, डैंड्रफ क्यों होता है। यदि आप सिर को ठीक से वॉश नहीं करते हैं, आप उसका ख्याल नहीं रखते हैं, आप आपके सिर को साफ नहीं रखते हैं, तो उसका एक कारण बनता है रूसी का होना। यदि आपको किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये भी आपकी जो स्किन होती है वहाँ पे जो डेड स्किन होती है वो एक डैंड्रफ का रूप धारण कर लेती है। तो फंगल इन्फेक्शन भी एक मेजर कॉज होता है डैंड्रफ होने का। यदि आप बहुत समय से आपके बालों को ऑयलिंग नहीं करते हैं तो ड्राइनेस की वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। यदि आप आपके भोजन में बहुत ज़्यादा तेल वाला या मसालेदार बहुत ज़्यादा तीखा भोजन आप खाते हैं तो ये एक रूसी का कारण बनता है। यदि आप कम पानी पीते हैं तो इससे भी रूसी होती है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रेशन नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्कैल्प में, जो कि रूसी या डैंड्रफ को क्रिएट करती है। प्रोटीन की कमी के कारण भी रूसी या डैंड्रफ होता है। यदि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या चेंजेस होते हैं आपके बॉडी के हार्मोन्स में, तो ये भी एक रूसी का कारण बनता है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको रूसी हो सकती है। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल पदार्थों का या केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो ये भी डैंड्रफ या रूसी, इसके वजह से भी डैंड्रफ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है रूसी होने का कारण, वो होता है कि आपके सिर में जो ईस्ट पलते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप जब तेल लगाते हैं तो वो उस तेल को एब्जॉर्ब करते हैं, वो उस तेल को खाकर जीवित रहते हैं, और वो आपको डैंड्रफ का एक कारण बनते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा तेल यदि आप लगाते हैं और लगा के रखे रहते हैं तो ये गलत बात है। आपको एक घंटे पहले जब आप हेयर वॉश करने वाले हैं तभी ऑयलिंग करनी चाहिए, एक नाइट पहले ऑयलिंग करनी चाहिए। सारा दिन आपको ऑयल लगा के, जैसे कुछ लोग होते हैं हेयर वॉश करने के बाद में ऑयलिंग
करते हैं और फिर उसको वैसे ही रहने देते हैं नेक्स्ट ईयर वॉश तक, तो ऐसा नहीं करना है। इसके वजह से वहाँ पर कुछ ईस्ट में पलने वाले ईस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसकी होम्योपैथी मेडिसिन क्या होगी। तो इसकी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बैक्सन कंपनी की AC No. 4। इसकी इमेज मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आपको ये साइड कहीं पर भी आपको इमेज दिखेगी बैक्सन कंपनी की AC4। तो ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये रूसी के लिए डेंड्रफ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो यदि आपके बाद बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, आपकी स्किन की बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो रही है तो ये मेडिसिन आपके लिए इंडिकेटेड होती है। ये इसमें बहुत ही बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्केरिया सल्फ, कैल्केरिया फ्लोर, आर्सेनिक एल्बम, ड्रग स्टॉक्स, काली सल्फ, नेट्रम सल्फ और सल्फर। ये सभी मेडिसिन डेंड्रफ के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके रूसी में के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन से, इसका जो पैक होता है ये बच्चों के लिए भी इसका एक पैक मिलता है तो आप वो भी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो होती हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी और उसके साथ ही साथ तो आपके जो बालों में थिनिंग हो रही है उसको भी ठीक करेगी और आपके बालों को रीग्रोथ भी करेगी। आपके जो ड्राई स्केल हो गई है, आपकी स्कैल्प जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है उसको भी ये ठीक करेगी। अब इस मेडिसिन को लेना कैसे है, तो इसकी 4 टेबलेट्स आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम में। इस टेबलेट्स को आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको पीडियाट्रिक फॉर्म में भी पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए भी मिल जाएगी, तो इस मेडिसिन को आप बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हो फ्रेंड, आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, उसे लाइक करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को भी दबाना है। और किसी भी बीमारी से रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।